छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2008 और 2009 में घोषणा किया गया था कि किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा, लेकिन 2008 और 2009 में 12% ही फसल बीमा दिया गया। 2008 में 9 में तो वो दे नहीं रहा है, फसल बीमा सही तरीका से नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ पिछले 2 साल से अकाल ग्रस्त है, इसलिए किसानों के लिए फसल बीमा योजना की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि जब किसानों का फसल नुकसान हो जाता है उस समय उन्हें वे पैसा वापस मिल जाता है, जिससे किसान सुरक्षित रहते हैं। और जब फसल खेती में होता है उस समय पटवारी के द्वारा आनावारी देखी जाती है, उसी के आधार पर किसानों को बीमा देना तय होता है। किसानों के द्वारा सामान्य बीमा और दूसरा अधिक पैसा मिलने वाले बीमा उस किसानों के द्वारा 354 एकड़ प्रति एकड़ में बीमा कराया गया था और कहा गया था कि एकड़ में 16,000 एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 150-200 ही किसानों को दिया जा रहा है 12% के हिसाब से। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से केवल सामान्य बीमा के बतौर ही 12% बीमा मिला है, बल्कि छुरिया ब्लॉक में 70%, मानपुर में 60%, डोंगरगांव में 65%, इस तरह से वहां का बीमा दिया गया। इस तरह से सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया है। बोनस की प्रावधान 2008 और 2009 में 270 रुपए बोनस दिया गया था और आज 2011 में 50 रुपए बोनस देने का घोषणा किया गया है, वह पैसा अप्राप्त है। जिस बात को समिति प्रबंधक को पूछे जाने पर यही कहते हैं कि हमारे द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो जानकारी नहीं आया है उसे हम नहीं बता पाएंगे, यही बात कह करके समय टालते रहे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फसल बीमा 2008 में कराया गया था और ये योजना छत्तीसगढ़ में सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को इस योजना का लाभ मिले और वीडियो न्यूज़ देखने वाले श्रोताओं से भी मैं अपील करती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके पास में संपर्क करे। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ से, इंडियन हट के लिए।